हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः फिर आपका स्वागत करता हूँ इस एजुकेशन चैनल पे। कल आपसे बात हुई थी इस ट्रिक पे, लिमिट से संबंधित सवालों पे मैंने ट्रिक दिया था आपको, उसी चरण में मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, यदि लिमिट के कुछ सवाल ऐसे बनते हैं, यदि लिमिट x टेंड्स टू जीरो यानी जिसकी सीमा जीरो होती है, और वो सवाल कुछ ऐसा हो साइन एक्स बाई फोर अपॉन में एक्स। अब इनको करना होता है तो पहले हम इस सवाल को बनाते हैं कुछ इस वाले फॉर्मूले के रूप में, जैसे लिमिट x टेंड्स टू जीरो और साइन थीटा अपॉन में थीटा, तो इसकी वैल्यू वन होती है। इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म के रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू वन। तो कुछ ये सवाल उसी तरीके का है, तो उनको हमको बनाना होता है इस फॉर्मेट में। तो क्या करना होता है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यदि मैं उस तरीके से इनमें या इनमें बदलना चाहूं, तो नीचे वाले अंश में मुझे ऊपर वाले इस रूप में मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो यहां क्या करना होगा कि ये साइन x बाई फोर है, तो नीचे हर में मुझे चार से गुणा, वो चार से भाग करना होगा। अब इस वन बाई फोर को हम बाहर ले लेते हैं और लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब ये साइन x बाई फोर अपॉन में x बाई फोर, अब कुछ ये इसी तरीके का हो गया। तो ये पूरा मान हमारा क्या हो जाता है, वन। तो वन बाई फोर इंटू वन इक्वल टू वन बाई फोर, यानी इस वाले सवाल का जो आंसर आना है वो क्या है, वन बाई फोर। हालांकि मुझे कंपटीशन में इतना टाइम तो मिलेगा नहीं, उसके लिए मुझे इसको कम टाइम में हुआ। हालांकि थोड़ा आसान सा क्वेश्चन रहा, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए कुछ सवाल कुछ ऐसे हो कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो और ये हो गया tan 3x अपॉन में sin 2x, इस तरीके के सवाल। तो ऐसे भी इन्हें करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसी फॉर्म में बनाने के लिए x टेंड्स टू जीरो है कि tan 3x by 3x 2x by sin 2x है, तो इनको हम क्या करेंगे, हमने इनको अलग से लिया था, तो इसलिए मैं 3x by 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या करते हैं कि इनको अलग अलग ले लेते हैं, तो ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो और ये tan 3x by 3 हो जाना है, 3x हो जाना है, फिर ये लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा 2x टेंड्स टू जीरो 2x by sin 2x हो जाना है, और ये वाली वैल्यू कहां आ जाती है, 3x by 2x। तो इस कंडीशन पे x से x कैंसिल हो जाता है और इनका मान 1 आ जाता है, इनका मान 1 आ जाना है, और ये वैल्यू 3 by 2 हो जाती है, तो टोटल वैल्यू कितनी आती है, 3 by 2। लेकिन इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कंपटीशन में, मुझे ऐसे सवालों के लिए मात्र हमें 10 से 15 सेकंड की आवश्यकता पड़ती है। फिर चलिए इसको 10 से 15 सेकंड में करने के लिए मैं आपको आज ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको आसानी से करने लगेंगे, इतना कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे ट्रिक की तरफ देखते हैं, चलिए ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक यह है आज का कि यदि सवाल हमारा साइन या टेन में दिया हो तो, लेकिन उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि इसकी सीमा x टेंड्स टू जीरो ही होनी चाहिए। इस स्थिति पर यदि हम सीमा निकालते हैं किसी सवाल का, तो x के गुणांकों को सवाल की बनावट के अनुसार उतार देते हैं और हल कर देते हैं, वही हमारा उत्तर आता है। चलिए, जैसे जो मैं एक सवाल आपको लिया था, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, सवाल हमने लिया था x टेंड्स टू जीरो और लिया था हमने साइन एक्स बाई फोर अपॉन में एक्स, ठीक है। इसका उत्तर आप जानते थे कि आया कितना था, 1/4। तो मैं एक ट्रिक के रूप में आपका स्वागत करता हूं, ट्रिक के रूप में हम इसका देख रहे हैं। तो ट्रिक के रूप में हमने कहा सवाल किस रूप में रहना चाहिए, साइन या टेन के रूप में। तो एक्स सीमा हमारी कितनी चाहिए, एक्स से जीरो है, पूरा सुटेबल हो रहा है। तो एक्स के गुणांकों को सवाल की बनावट के अनुसार, सवाल की बनावट ऊपर में देखो तो x का गुणांक कितना है, 1/4 है, नीचे का कितना है, 1, तो बराबर कितना आ गया, 1/4। देखिए हल करके भी हमने क्या निकाला था, 1/4। ट्रिक से भी क्या आ रहा है, 1/4। चलिए सर दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, इसी में आगे चलते हैं। तो हमने आपको एक दूसरा सवाल और लिया था, x टेंड्स टू जीरो लिया था tan 3x by sin 2x, इसका उत्तर आप लोगों ने निकाला था क्या, 3/2। यहां भी वही करेंगे, हमने कहा x के गुणांक को सवाल की बनावट के अनुसार, सवाल की बनावट क्या है, हमें
ऊपर x का गुणांक कितना 3, अब बटे में कितना 2, आंसर कितना आया 3/2। हल आया भी था वही चीज हमारी। अब इसी तरह हम आगे चले तो एक एग्जांपल हम आपको और बता दें, तो जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये sin x माइनस sin 3x अपॉन में tan 5x माइनस tan x इस तरीके से आता है, तो वहां हम करते क्या है, हमने कहा कि इस तरीके से हो साइन या टेन में हो और उसकी सीमा एक्स से जीरो, तो उस कंडीशन पे होगा क्या, एक्स का गुणांक यहां कितना 1 या एक्स का गुणांक कितना 3 और बटे में कितना हो गया 5 और यहां माइनस कितना 1। अब इसको हम हल कर लेते तो ये माइनस 2 आ जाएगा, ये 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई क्या 2, यही उस सवाल का क्या होगा आंसर। ऐसे इसी प्रकार हम सारे सवाल को हम हल कर लेते हैं और जो भी हो सवाल के बनावट के अनुसार हम उसको लिख लेते हैं, वही हमारा उत्तर हो जाता है। इसमें एक बात का बस विशेष ध्यान देना है, यदि इस तरीके से सवाल की बनावट के अनुसार लिखने पर उसका उत्तर शून्य आ जाए या अपरिभाषित आ जाए तो उस स्थिति में हम इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, उत्तर नहीं आता है, ठीक है। इसलिए पहले हम सवाल की बनावट के अनुसार हल करके देख लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, यदि जीरो और अपरिभाषित आ जाता है तो उस कंडीशन पे यह नियम हमारा काम नहीं करता है, बाकी सभी कंडीशन पे ये हमारे सवाल लागू करेंगे। बस यह चीज को ध्यान रखना है कि वह सवाल हमारा किसमें होना चाहिए, साइन के रूप में या टैन के रूप में, ठीक है। और यह निश्चित तौर पे इनकी सीमा में क्या करना है, जीरो पे ही ज्ञात करना है, ठीक। बस आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए कल बात करते हैं।